नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 325 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अखिलेश समर्थकों पर गिरी गाज, तो वहीं शिवपाल करीबी, गायत्री प्रजापति, नारद राय को मिला टिकट। लखनऊ कैंट से बहू अपर्णा यादव मैदान में उतरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नजीब जंग के इस्तीफे को किया मंजूर। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल के नाम को दी मंजूरी। वाजपेयी सरकार में गृह सचिव और दिल्ली में डीडीए के उपाध्यक्ष रह चुके हैं बैजल। नोटबंदी पर नए अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी। अब 31 मार्च के बाद 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर देना होगा 5 गुना जुर्माना, वरना हो सकती है 4 साल तक की जेल। 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा कराए जा सकते हैं पुराने नोट। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद पार्टी में दिखी दरार। पूर्व सांसद शशिकला पुष्पा के पति और वकीलों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीटा। जनरल काउंसिल की बैठक में पार्टी महासचिव पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने गई थी शशिकला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया मस्जिद के नजदीक सड़क पर विस्फोट। हमले में एक सांसद समेत 5 अन्य जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और भारतीय ओलंपिक संघ में दागी नेताओं सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्र सरकार हुई सख्त। खेल मंत्री विजय गोयल ने आईओए को इस फैसले के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। सुरेश कलमाड़ी ने अध्यक्ष पद लेने से किया इनकार। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।